दोस्तों, अगर आप जीरोधा में, अप स्टॉक्स में, फाइव पैसा में, फायर्स में और आस्था ट्रेड में अकाउंट ओपन करवाना है तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करिए। अगर आप इनमें किसी में भी अगर आप अकाउंट अपना ओपन करवाते हैं हमारे अंडर में, तो हम आपको 10,000 का जो हमारा कोर्स मटेरियल है वो आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। प्लस मैं आपको अपने ग्रुप में ज्वाइन करूँगा, जहाँ पर मैं डेली आपको 3 से 4 इंट्राडे की कॉल्स दूंगा, जिसपे आप ट्रेड करके एक अच्छा रिटर्न। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज संडे है और स्टॉक विजार्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मैं आप लोग को विजय पाटिल सर ने बहुत सारा कमेंट किया था, बहुत सारी वीडियोस के नीचे कमेंट किया था कि फिलिप्स ब्लैक कार्बन के ऊपर एक वीडियो बनाइए, तो उन्होंने कई बार कमेंट किया था, लेकिन ये स्टॉक मुझे पसंद नहीं था, इसलिए मैं सोचता था कि इसको अपने चैनल पर ना अपलोड करूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी उनके इतने सारे कमेंट और इतने सारे प्यार आ रहे हैं कि मुझे इनके ऊपर भी वीडियो बनाना पड़ा। तो थैंक यू विजय पटेल सर कि आपने इतना मुझे चाहा और इतनी मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट्स किया था कि फिलिप्स कार्बन ब्लैक के ऊपर एक वीडियो बनाइए, तो भी मैं बना रहा हूँ। लेकिन आपको इसमें आगे दिखाऊंगा कि कंपनी कैसी है और किस हिसाब से चल रही है। अभी कुछ पिछले 2 साल में इसने काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया है, बहुत सारे लोग पैसे कमाए, तो अब उसकी जो कमाई है वो थोड़ा सा निकल चुकी है, उसका जो रस है वो लोग ने चूस लिया है, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसको ऊपर जाने में। ठीक है, आपके इतने सारे कमेंट्स थे इसलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाना, बाकी मैं ऐसे छोटे स्टॉक्स के ऊपर वीडियोज नहीं बनाता हूँ अपने चैनल पर। ठीक है सर, तो चलिए दिखाते हैं आपको इसका फंडामेंटल। मार्केट कैप है देखिए 2745 करोड़ की, जो कि एक छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी है, छोटी सी। और इसका करंट प्राइस देखिए 159, और कंपनी ने 52 एक हाई बनाया था 287 का और लो बनाया था 135 का, जो कि अपने जो अभी करंट प्राइस चल रहा है बिल्कुल लो से थोड़ा सा ही ऊपर है। और इसका देखिए बुक वैल्यू है 88 रुपये, स्टॉक का पी है 7 और डिविडेंड भी देती है कंपनी। ROC है इसका 17%, ROE है इसका 18%, और सेल्स ग्रोथ है देखिए, अब मैं क्यों मना करता हूँ आप लोग को ऐसे स्टॉक्स में, इसकी सेल्स ग्रोथ अगर आप 3 साल में देखेंगे तो ओनली 1% का है, जबकि सेल्स ग्रोथ इसकी होनी चाहिए करीब कितनी भी कम हो तो 5, 7, 8, 10 से ऊपर होनी चाहिए, अगर 8 से नीचे तो होनी नहीं चाहिए इसकी सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल में, 8, 9 होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, 15, 20, 25 जो भी हो ऊपर लेना चाहिए। देखिए 1% की स्पीड से ये कंपनी ग्रो कर रही, तो आपको कहाँ से पैसे बना के देगी ये कंपनी, और इतनी छोटी है ये कब डूब जाएगी पता नहीं चलेगा आपको। इसका लॉन्ग टर्म में हम चार्ट देखते हैं, जो कि मैं हमेशा दिखाता हूँ आप लोग को, तो चार्ट देख रहे हैं आप लोग यहाँ 2007 से और यहाँ तक 2016 तक, पिछले 10 साल में ये अप डाउन करती रही, लेकिन 2016 से जब ये ऊपर गई तो इसने हाई कितने का बनाया देख रहे हैं, 287 का हाई बनाया था, और फिर यहाँ पे ये लो बना भी चुकी है 145 का, मतलब 50% कंपनी गिर चुकी है। तो ऐसे स्टॉक्स में मत निवेश करिए कभी भी, जो कि कंपनी कुछ ही टाइम में 50% गिर जाए, कितनी भी मार्केट गिरे आपको कंपनी ऐसे सेलेक्ट करना है सर कि मार्केट कितनी भी गिर जाए हमारे जो स्टॉक्स हों वो मैक्सिमम 10-20% गिरना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि अगर आपके पैसे आधा जब आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया है और जब आपके पैसे 50,000 रुपये देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होगी, आपको खाना नहीं खाना होगा, नींद नहीं आएगी, जब आपके पैसे लॉस होने लगते हैं तो नींद नहीं आती है सर। तो ऐसे इन्वेस्ट करिए कि नींद भी अच्छी आए और आराम से आप सो भी पाएँ और अपने काम धंधे में आपका मन भी लगे। तो हमारे पास ऐसे कुछ स्टॉक के लिस्ट हैं, अगर आपको पोर्टफोलियो मैनेज करवाना है तो हम आपको ऐसे स्टॉक्स बताएंगे जो कि मैक्सिमम गिरते हैं तो 10-15%, बाकी वो ऊपर ही जाते रहते हैं, और हर साल अगर आपको 15-30% का रिटर्न अगर आप एक्सेप्ट कर सकते हैं तो ये ठीक है। अगर आपको 1 साल में पैसे डबल करना है तो स्टॉक मार्केट छोड़ दीजिए, या तो स्टॉक मार्केट आपको भगा देगा पक्का, या तो अपने छोड़ दीजिए या तो वो खुद भगा देगा आपको। अगर आपको यहाँ पे 15-20-30% का रिटर्न अगर आपके लिए मानते हैं कि नहीं इतना मिले तो ठीक है, तो आप यहाँ पे पड़े रहिए, स्टॉक मार्केट भी आपकी इज्जत करेगा। ठीक है सर, तो चलिए मैं बहुत बकबक करता हूँ, ऐसे ही बहुत भाषण देता हूँ, कोई बात नहीं। देखिए, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, कंपनी हैज़ बिन मेंटेनिंग हेल्थी डिविडेंड पे आउट 32% का। ओ देख रहे हैं यहाँ पे, द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ए पुअर ग्रोथ, मतलब बहुत लो इसकी ग्रो है, माइंड प्लस खाली सिर्फ 2% का ओवर पास्ट 5 ईयर, पिछले 5 साल में इस कंपनी ने ग्रो किया है 2% की स्पीड से। और कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न, देखिए कंपनी ने रिटर्न दिया है इक्विटी के ऊपर 3 साल में 10% के ऊपर, अपने शेयर के ऊपर 10% का पिछले 3 साल से रिटर्न देते आ रही है कंपनी, केमिकल सेक्टर की कंपनी है। और देख रहे हैं आप लोग, अपने लिस्ट में 7वें नंबर की कंपनी है। मैं हमेशा बोलता हूं कि जिसमें भी आपको निवेश करना है तो अपने सेक्टर में वो पहले, दूसरे या तीसरे नंबर की कंपनी होनी चाहिए,
पहला, दूसरा या तीसरा, उसके नीचे हम निवेश नहीं करते, ना तो करने देते हैं अपने सब्सक्राइबर को या अपने जो हमारे पेड ग्रुप में जो भी मेंबर हैं उनको हम ये प्रेफर नहीं करते कि आपको अपने भी सेक्टर में पहली, दूसरी और तीसरी नंबर की कंपनी को सेलेक्ट करना है, उसके नीचे नहीं। तो हम पिछले 7-8 हज़ार जो स्टॉक्स हैं हमारे NSE इंडिया और BSE इंडिया में जितने भी स्टॉक्स लिस्टेड हैं उनमें से हम आपको एकदम चुन चुन कर एक एक स्टॉक, काफ़ी स्टडी के बाद और काफ़ी टाइम लगा हमको इस ऐसे स्टॉक्स निकालने में जो कि हमने उस स्टॉक की लिस्ट बना के रखी है आपके लिए। तो व्हाट्सएप करिए मुझे और अपनी लिस्ट लेकर जाइए। देखिए इसका क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम देखते हैं तो 2016 में इसकी सेल्स हुई थी 460 करोड़, और देखिए 2018 में 946 करोड़, जो कि डबल हो गया है मात्र 2 साल में। और इसका प्रॉफिट देखिए 3 करोड़ से लेकर 109 करोड़ हो गया है, बहुत ज़्यादा ये तेज़ी से बढ़ जाएगी, इसकी प्रॉफिट ही बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसने हैंडल किया हुआ है। और इसका सेल्स देखिए 2007 में था लगभग 999 करोड़ का, और देखिए अभी 18 में 2500 करोड़, जो कि डबल हो गया है लगभग 12-13 साल में, डबल हो गया है, लेकिन जबकि ज़्यादा होना चाहिए। और अब प्रॉफिट देखिए, इसका नेट प्रॉफिट देखिए 2007 में 24 करोड़ हुआ करता था और अभी 338 करोड़ है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अगर इसका देखते हैं तो 10 साल में था 9%, और देखिए 5 साल में देखिए घट गया है, 2% का हो गया है, और 3 साल में देखिए 1% का हो गया। इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो गिर रहा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो 9% का और 5 साल में दिया नहीं गया है यहाँ पे रिकॉर्ड, और पिछले 3 साल में देखिए 162 करोड़ का इसका प्रॉफिट ग्रोथ था। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखते हैं तो ये इसका बढ़ता हुआ क्रम में है, पिछले 10 साल में 7%, फिर 5 साल में 5%, यहाँ घट गया है थोड़ा सा, पिछले 3 साल में 10% और पिछले लास्ट ईयर में 18% का इसने प्रॉफिट दिया है। और यहाँ पे शेयर कैपिटल है देखिए घटते हुए आ रहा है, ये अच्छी बात है, टोटल लाइबिलिटीज़ बढ़ रहे हैं, सेल्स ग्रोथ बढ़ेगी तो लाइबिलिटीज़ बढ़ेंगी ही, एसेट है देखिए एसेट भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसको आप चार्ट पे लेके चलता हूँ और देखते हैं कि स्टॉक कैसे गिर रहा है और कहाँ रुकता है, हमारी एंट्री कहाँ बनती है और एग्जिट कहाँ बनती है, ठीक है सर। तो चलिए विजय पाटिल सर आपको लेके चलता हूँ अपने काइट के प्लेटफॉर्म पे। तो देखिए सर कि मैंने फिलिप्स कार्बन ब्लैक का खोल लिया है चार्ट अपने काइट के प्लेटफॉर्म पे। तो देखिए इसमें जो भी नए अगर इन्वेस्टर हैं या नए ट्रेडर हैं तो वो लोग प्लीज़ इसमें इन्वेस्ट ना करें पैसे, जो स्मार्ट ट्रेडर हैं। बहुत लोग बोलते हैं ना कि हाँ ये स्टॉक अच्छा था आपने ख़राब बोल दिया, तो सर ये स्टॉक आपके लिए अच्छा है क्योंकि आप इंटेलिजेंट हैं, आपको पता है कि एंट्री कहाँ करनी है, हमें एग्जिट कहाँ कर देनी है। लेकिन जो नए निवेशक या नए ट्रेडर हैं उनको ये बात नहीं पता होती है कि हमें एंट्री कहाँ करना है और एग्जिट कहाँ करना है। तो आपके मैं रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि आप इतने इंटेलिजेंट हैं, और फिलिप्स कार्बन जैसे स्टॉक्स में भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन सब लोग नहीं कमा सकते सर। ये स्टॉक सबके लिए अच्छा नहीं, आपके लिए अच्छा हो सकता है लेकिन उनके लिए अच्छा नहीं हो सकता। तो जो भी नए निवेशक या नए ट्रेडर हैं वो लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि इस स्टॉक्स में एंट्री ना करें, ठीक है। चलिए मैं आगे अपना भाषण चालू करता हूँ। देखिए 1 वीक पर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है ताकि हमें लॉन्ग टर्म का चार्ट हमें इसमें आसानी से देखने को मिल जाए। और देखिए 1 मंथ का भी एक बार खोल दूंगा, अभी भी पूरा नहीं दिखा रहे हैं। तो कंपनी से जब से लिस्टेड है तब से मैं इसका चार्ट आप लोग को दिखाऊंगा और कैसे कैसे गया है ये चार्ट वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए इसने 95-96 से ये लिस्टेड है कंपनी, यहाँ पे देखिए 95 से, तो उस टाइम इसका 16 रुपये रेट हुआ करता था 95 में, आज से 24-25 साल पहले, और अभी 159 का है, मतलब कि 10 गुना बढ़ी है पिछले 25 साल में कंपनी। हमें तो 10 साल में 10 गुना चाहिए और अच्छे स्टॉक्स में चाहिए, तो 25 साल में 10 गुना मात्र बढ़ी है कंपनी, वो भी कब से बढ़ी है, यहाँ से 2017 से, 2016-17 से स्टॉक सीधा ऊपर चला गया, रॉकेट बन गया। तो ऐसा नहीं कि स्टॉक बहुत अच्छा है इसलिए हम ये रॉकेट बन गया, हाँ सर इसका कुछ 2-3 साल अच्छा प्रॉफिट हुआ तो स्टॉक ऊपर चला गया, तो उसके लिए आप लालच में मत पड़िए और अच्छे स्टॉक्स में निवेश करिए। अच्छे स्टॉक की लिस्ट है चाहिए अगर आपको तो कांटेक्ट करिए मुझे, व्हाट्सएप करिए, कॉल मत करिएगा सर, बहुत सारे कॉल्स आते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर एंट्री आपको लेना है सर विजय पाटिल, तो आपको यहाँ पे अगर स्टॉक्स मिलता है यहाँ तक गिरेगा, देखिए स्टॉक तो गिरेगा, या तो यहाँ पे अगर रुक सकता है तो रुकेगा, कोई बात नहीं 153 रुपये पे, वहाँ अगर ये स्टॉक नहीं संभला तो 137 रुपये पे आ जाएगा। तो आप इसमें 137 रुपये पे लॉन्ग टर्म में निवेश करते हैं 2-4-5 साल में तो शायद आपको प्रॉफिट का चेहरा देखने को मिल जाए, ठीक है। अदरवाइज आप इसमें एंट्री ना करें तो ही अच्छा है। और मैं नए निवेशक या जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं जो मुझे चाहने वाले हैं वो लोग प्लीज़ इसमें
एंट्री ना करें फिलिप्स कार्बन में, ठीक है। तो सर विजय पाटिल, अगर आपको ये स्टॉक 140 के आसपास मिलता है तो यहाँ पे एंट्री करिए अगले 200 250 के लिए, ठीक है। तो चलिए इसके चार्ट आपको दिखा देता हूँ अपने वहाँ पे पिटारा पे, और इसका रिटर्न देख लेते हैं पिछले 1 साल 3 साल 5 साल और 10 साल पे। तो चलिए यहाँ पे आपको चार्ट दिखाता हूँ। देखिए सर, मैंने अपना पिटारा खोल लिया है और फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड का मैंने चार्ट भी खोल दिया है। तो 1 वीक में ये -1% के रिटर्न दिए हैं, और 2 वीक में देखिए -6% के नेगेटिव रिटर्न दिया है, और 1 मंथ में ये 5% के नेगेटिव रिटर्न दिया है, और 3 साल में देखिए फ्लैट रहा है, 3 महीने में सॉरी 6 मंथ में देखिए 24% गिर चुका है। तो हमें ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है जो कि भारी गिरावट में भी ये हमारा स्टॉक 15 से 20% तक ही गिरावट हो, उसमें मैक्सिमम गिरावट, इतना नहीं कि 24-25% या 50% गिर जाए। ईयर टू डेट में देखते हैं तो 22%, 1 साल में देखिए 35% गिरा हुआ स्टॉक। अभी इस स्टॉक में कैसे बोलूँ आप लोगों को कि निवेश करिए। हाँ, कुछ लोग नए हैं, लोग जो सोचते हैं कि अरे स्टॉक तो 35% गिरा हुआ है, एंट्री कर लो, आगे 35% का रिटर्न हमें जल्दी मिल जाएगा। तो ऐसा मत करिए, लालच मत करिए। जो स्टॉक गिर रहा है वो तो, और कितना गिरेगा क्या पता, कौन जानता है। 3 साल में देखिए इसके रिटर्न काफ़ी शानदार है, जो कि ये पिछले 3 साल में बढ़ा है ना 2016-17 से, तो उसी में इसके रिटर्न जो 500% हैं। तो इसी को देखकर लोग लालच कर रहे हैं कि पिछले 3 साल में कंपनी ने हमारे पैसे को 5 गुना कर दिया है, अब हम फिर से इन्वेस्ट करते हैं फिर से 5 गुना हो जाएगा। ऐसा मत करिए। पिछले 5 साल में देखिए इसके रिटर्न हैं 1113% के, लगभग 5 साल में अपने आपके पैसे को इसने 2 गुना कर दिया है, बहुत ही शानदार। और 10 साल में 1700% के रिटर्न दिए हैं। तो 5 साल 3 साल 10 साल में इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, क्योंकि स्मॉल कैप की कंपनी है तो तेज़ भागते हैं ये लोग और तेज़ गिरते भी हैं। तो ऐसी कंपनी में हमें निवेश नहीं करना है। विजय पाटिल सर, अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो 138-40 के आसपास मिलता है ये स्टॉक, तो आप इसमें बाई कर सकते हैं। वरना अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप मेरे चाहने वाले हैं, तो मैं आपको ये स्टॉक प्रेफर नहीं करूँगा कि आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, मारुति है, बजाज फाइनेंस है, HDFC बैंक है, कोटक बैंक है, एक्सिस बैंक है, आप लोग इसमें निवेश करिए। पीटी लाइट का देखिए अभी मैंने वीडियो बनाया है, पीटी लाइट में इन्वेस्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उससे भी ज़्यादा अगर आपको अच्छे स्टॉक्स की लिस्ट चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप करिए। 20 से 25 स्टॉक मैं आपको एकदम शानदार कंपनी के दूंगा, इंडिया में जितने भी कंपनी शानदार हैं उनके लिस्ट आपको दूंगा, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा काफ़ी। फिलिप्स ब्लैक कार्बन, आपके जितने भी सारे कमेंट्स थे सबकी मांगे आज पूरी हो चुकी है, मैंने पूरा कर दिया है। संडे आज छुट्टी था तो मैं सोचा वीडियो बना दूँ आप लोग के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।